इट्स अ मोस्ट रिक्वेस्टेड व्लॉग। जब इस ड्रेस की रील मैंने इंस्टाग्राम पर लगाई और इस ड्रेस की क्यूरीज बहुत आ रही थी, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेंबल वदकरा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यार सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग मेरी वीडियोस पे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हो और इसी तरह स्वीट कॉमेंट्स इस वीडियो पे भी मुझे चाहिए। ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग है ना, ये मैं आपको कहीं नहीं लेकर जा रही, लेकिन ये ड्रेस डिज़ाइनिंग मैंने खुद से लास्ट ईयर जो मेरी वेडिंग्स थी उनके ऊपर मैंने जो ड्रेसेस खुद से बनवाए थे, सेल्फ डिज़ाइनिंग मैंने की थी। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर वीडियो बना रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं, जी हाँ, एक शादी पर ही जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट एक अच्छी सी सेल्फ डिज़ाइनिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि अब फेस्टिविटी और शादियाँ पाकिस्तान में जो हैं वो चल रही हैं, हर किसी को ड्रेसेस वगैरह की ज़रूरत है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। इस जहाँ से मैंने ये ड्रेस बनवाया है और जहाँ से मैंने ये कपड़ा परचेज़ किया, ये भी मैं आपको साइड बाई साइड वीडियो में बता दूंगी और किस तरह से इस ड्रेस को मैंने कैरी किया है। और इस ड्रेस को मैं लास्ट ईयर एक शादी पे यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। यार करना चाहिए कपड़ों को, क्योंकि आप उनके ऊपर पैसा लगा रहे होते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा एक शादी पर पहना तो आप दोबारा नहीं पहन सकते, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट वे से पहन सकते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले डिज़ाइनिंग दिखाते हैं और उसके बाद मैं आपको पहन कर दिखाऊंगी और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट तो मस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस ड्रेस की तमाम डिटेल्स दिखा देती हूँ। ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अटलस जामावार। इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी इस ड्रेस से रिलेटेड और ये ड्रेस मैंने खुद से बनवाया है अपनी सेल्फ मेड डिज़ाइनिंग के साथ। इस ड्रेस को यहाँ पर मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी वेडिंग से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये ड्रेस जो है वो लॉन्ग टेल मैक्सी टाइप मैंने बनवाया था और इसकी ये बैक साइड पे भी मैंने काम करवाया। आप देख सकते हैं इसका काम जो कि तिल्ला कोरा दबका और सितारे का काम मैंने इसके ऊपर करवाया है, ठीक है। ये फैब्रिक आपको इजीली राबी सेंटर से मिल जाएगा, 400 या 500 रुपए गज़ जो है ये फैब्रिक मिलता है। और ये जो काम आप देख रहे हैं ये काम मैंने कमर्शियल मार्केट में शान जरी वालों से करवाया है और ये लास्ट ईयर मैंने एक शादी पे बनवाया था ड्रेस और अब मैंने इसको दोबारा एक शादी के ऊपर पहना है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ आप देख रहे हैं ये लेंथ तकरीबन मैंने इसकी रखवाई थी 55 और मेरी हाइट जो है वो 5'7" है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रखवा सकते हैं। आप इसका जो इनर देख रहे हैं ये मैंने रखवाया था कतान सिल्क का और इसके ट्राउजर्स के दोनों साइड पे मैंने इसी तरह का बंच बनवाया है जैसे आप गाउन के ऊपर देख रहे हैं। साइड्स पे ये जो बंच बना है इसी तरह का मैंने ट्राउजर के ऊपर भी बंच बनवाया है, ठीक है। और ये कलियों वाला मैंने गाउन बनवाया था और इसके साथ जो दुपट्टा था वो मैंने शिफॉन का उसके ऊपर स्प्रे करवाया और उसके साइड पे मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग करवाई है। आप कलर की कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग आप अपने कर सकते हैं। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ये भी मैंने खुद से ही बनवाया है और ये रॉ सिल्क के ऊपर मैंने बनवाया था। कलियों वाला ये फ्रॉक है और इसके ऊपर मैंने तमाम लेस की ही डिटेलिंग करवाई है और ये ड्रेस मेरी फीमेल टेलर ने ही स्टिच किया हुआ है। यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो मैं शादियों पर बहुत मिनिमल ही फैंसी कपड़े बनवाती हूँ और बाद में मैं उनको अच्छी ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज कर कर उसको थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फैंसी कपड़े बनवाने से एक तो थोड़े से पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और वो बाद में फिर हमारा दिल भी नहीं करता और हमारे किसी काम भी नहीं आते हैं। और ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं इसकी तो बहुत ज़्यादा क्वेरीज और डिमांड्स आ रही थी कि प्लीज़ इसकी डिटेल्स हमारे साथ अगेन शेयर करें। तो ये ड्रेस अब आप करीब से देख लें। ये ड्रेस मैंने शहनाज अनस का जो है वो इंस्पायर्ड होकर बनवाया था आयजा खान से। इसका जो टोटल फैब्रिक लगा था वो 1.5 गज़ लगा था और इसकी टेलर ने स्टिचिंग जो ली थी 1000 ली थी और इसकी कढ़ाई मैंने कराई थी चनार फैब्रिक से 2500 रुपीज़ की। उन्होंने मुझे ये कढ़ाई कर कर दी थी और ये सूट मेरा 6500 रुपीज़ में तैयार हुआ था। इस ड्रेस की तमाम डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपने व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। इस ड्रेस की जो फुल लेंथ है वो 49 मैंने रखवाई थी क्योंकि उस डिज़ाइनर ने भी लॉन्ग लेंथ ही रखवाई थी। बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इस ड्रेस को बनवा सकते हैं और चनार फैब्रिक का जो नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और ताकि अगर आप में से कोई इस तरह की कढ़ाई करवाना चाहता है तो आप लोग उनकी शॉप से करवा सकते हैं। और जो ये बटन्स थे ये मैंने कमर्शियल मार्केट से बनवाए थे आबिद लेस सेंटर से।
आप कमर्शियल मार्केट में अगर उसी लेन में हैं जहाँ चिनार फैब्रिक है, तो आप ये बटन शान जरी वालों से भी बनवा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।